60 बछर पहली के बात है। ओ समय मा छोटे छोटे नौकरी अमोल होगे रहीस। नौकरी ला पाए बर जवनहा मन गजब उदिम करें। फिर एक झन जवनहा ऐसे निकलीस जवनहा सबले बड़े परीक्षा पास करके नौकरी नहीं मांगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा आजो सबले बड़े नौकरी मा जाए के रत्ता है। ये परीक्षा ला पास करैया मन कलेक्टर कमिश्नर बनते। यही परीक्षा ला रायपुर जिला के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर 1929 में जन्मे गुन्निक बेटा पास कर लीस। फिर ओकर मन में रहीस खुला रही के सेवा करी के भाव। स्वामी विवेकानंद के रद्दा में चल के सेवा करी के भाव। ओहा बड़े परीक्षा पास करके छोड़ दीस नौकरी के रद्दा और स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा के रद्दा में चलीस। उही जवान आगु चल के छत्तीसगढ़ के नाम देश भर में बगराइस। ओला हमन स्वामी आत्मानंद के नाव ले जानथन। ओकर नानपन के नाव तुलेंद्र रहीस। स्वामी आत्मानंद के महतारी के नाव भाग्यवती और ददा के नाव धनीराम रहीस। बरबंदा के किसान परिवार में जन्मे धनीराम गांधी जी के रद्दा में रिंगैया गुरुजी रहीस। वर्धा के आश्रम में धनीराम ला बुनियादी शिक्षक के काम मिलीस। संग मा तुलेंद्र घलो वर्धा आश्रम गईस। गांधी जी जब घूमे बर जाए तब तुलेंद्र उखर लौठी ला कभू कभू धर के आगू आगू चल रहे। गांधी जी के आशीर्वाद नान्हे तुलेंद्र ला मिलीस। उही हा जवान होके विवेकानंद आश्रम नागपुर में रह के गणित विषय मा एमएससी करीस। सबले होशियार विद्यार्थी होए के खातिर तुलेंद्र ला सोन के मेडल मिलीस। फिर आश्रम में रहत रहत तुलेंद्र के मन में मानव सेवा के भाव जाग गए। स्वामी विवेकानंद के संदेश और सिद्धांत ओकर हृदय में बस गए। थोड़ी दिन अपन घर रायपुर में रहीस। तभी एक दिन तुलेंद्र अपन महतारी ला पूछीस, दीदी जाऊं? ओह अपन महतारी ला दीदी कहे। महतारी समझीस, कहूं जाए बर पूछत होही। कही दीस, जाना बेटा। बस ओ बात ला महतारी के आशीर्वाद मान के तुलेंद्र रायपुर ले नागपुर आ गए। घर के मन गजब खोजिन, दाई ददा रोइन ललई। दोनों रायपुर ले नागपुर गईन। तुलेंद्र मिल गए विवेकानंद आश्रम मा। दादा धनी राम कहीस, बेटा चल घर, सन्यासी झन बन, हमार आँखी की पुत्री अस, हमला जग अंधियार लागा थे, तो नान नान भाई बहनी है, तय बड़े बेटा अस घर चल। तुलेंद्र कहीस, बाबूजी, तही हा तो मोला रद्दा बताए रहेस, चिट्ठी मन मा लिखस के बेटा बने रद्दा मा रेंगे कर, कुमारग मा झन चलबे, भगवान राम सही दुख पाके आन ल सुख देबे, सबके सेवा करबे, अपन पर के भेद झन करबे, तोरे बात ला धर के ए रद्दा मा आगू बढ़ गयो बाबू। बेटा के बात ला सुन के धनीराम अकबका गे। महतारी कहीस, बेटा बने कहा थे, दाई ददा बर तो सबो संसु कर थे, ये बेटा हा जग भर के संसु करा थे, जान दो बने रद्दा मा। दोनों परानी घर आ गए। बेटा रह गए आश्रम मा। तुलेंद्र के नाव धरागे ब्रह्मचारी तेज चैतन्य। रामकृष्ण आश्रम मा रह के काम करे लगी तेज चैतन्य। फिर बड़े बड़े तीरित और हिमालय पहाड़ मा गईस। गुरु मन के बात सुनीस, तपस्या करीस। रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम आईस। प्रवचन सेवा के काम चलीस। ब्रह्मचारी तेज चैतन्य छत्तीसगढ़ के इतिहास और महिमा ला जाने जनावे। रायपुर मा स्वामी विवेकानंद हा नानपन मा 2 बछर अपन महतारी बाप के संग बूढ़ा पारा मा रहीस। स्वामी आत्मानंद हा सोचीस, जिहा 2 बछर स्वामी विवेकानंद रहीस वो रायपुर मा कुछ करना चाहिए। यही सोच के
रायपुर मा बनाईस विवेकानंद आश्रम। ये संकल्प ले गईस विवेकानंद शताब्दी वर्ष मा। 1960 मा तेज चैतन्य संन्यास लेके स्वामी आत्मानंद बनीस। स्वामी आत्मानंद आश्रम मा गरीबा लइका मन रही के पढ़िन लिखिन। ओमन सब आज बड़े बड़े पद मा हावय। स्वामी आत्मानंद हा जंगल के बीच नारायणपुर मा आश्रम शुरू करीस। बड़े स्कूल बनीस। आदिवासी लइका मन ला पढ़ाना शुरू करीस। आज नारायणपुर के स्कूल ले निकले लइका मन देश भर मा बड़े काम करत हे। अकाल दुकाल मा स्वामी आत्मानंद गांव गांव मा जुन्ना तरिया ला अवकोड़वाईस, पचरी बंधवाईस, किसान मन ला मदद करीस। विवेकानंद आश्रम रायपुर मा बहुत बड़ पुस्तकालय खोलीस। आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव मा सरकार हा स्वामी आत्मानंद के नाम मा पुस्तकालय खोले है। स्वामी आत्मानंद के पांच भाई मा एक बड़े साहित्यकार बनीस। उही भाई डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हा छत्तीसगढ़ के बड़ई मा सुंदर गीत लिखीस। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। यही गीत हा चारों मुड़ा सुने जाते। दो भाई स्वामी आत्मानंद के रद्दा मा चल के सन्यासी हो गए। एक भाई ओम प्रकाश वर्मा विश्वविद्यालय मा प्रोफेसर है। ओम प्रकाश वर्मा आत्मानंद विद्यापीठ घलो चलाते। उहो लइका मन ला पढ़ाए जाते। आदिवासी और गरीब लइका मन ला पढ़ाए लिखाए के बड़े जगह बन गए है विद्यापीठ। स्वामी आत्मानंद के बताए रद्दा मत चलैया बहुत जन है। सेवा दया और समता के विचार हा चारों मुड़ा बगरा थे। लिखाई पढ़ाई के उजास ला चारों मुड़ा बगराए के उदीम मा सब लगे है।